महान फुटबॉलर पेले का जन्म 23 अक्टूबर 1940 को ब्राजील में हुआ था। वह गरीब निग्रो परिवार से थे। बचपन से ही उन्होंने पढ़ाई में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन खेलों में अत्यधिक रुचि थी। उनके पिता ने उन्हें फुटबॉल खेलना सिखाया, लेकिन अक्सर उन्हें अखबारों से भरे मोजे के साथ अभ्यास करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास फुटबॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। फुटबॉल खेलने के साथ साथ उन्होंने स्थानीय चाय की दुकानों में वेटर का काम किया। अपनी युवावस्था में पेले इंडोर लीग में खेले और इससे उन्हें एक बेहतर एथलीट बनने में मदद मिली। पेले ने अपने जीवन का पहला मैच सैंटोस क्लब टीम के साथ एक सदस्य के रूप में खेला। मैच में उन्होंने अपना पहला गोल किया। इसने उन्हें विश्व स्तरीय फुटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए प्रेरित किया। तब से पेले ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए। 16 साल की उम्र में ब्राजील की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में शामिल किए गए। अपने मूल देश ब्राजील में पेले को राष्ट्रीय हीरो के रूप में सम्मान किया जाता है। वे फुटबॉल के खेल में अपनी उपलब्धियों और योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें गरीबों की सामाजिक स्थिति को सुधारने की नीति के जोरदार समर्थन के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अपना 1000वां गोल को ब्राजील के गरीब बच्चों को समर्पित किया। अपने करियर में वे फुटबॉल के शहंशाह के नाम से जाने जाते थे। अपने करियर में उन्होंने 760 अधिकृत गोल किए, जिसमें से 541 लीग चैंपियनशिपों में किए गए थे, जिसके कारण वे सर्वकालिक सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी माने जाते हैं। कुल मिलाकर पेले ने 1363 खेलों में 1281 गोल किए। ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के सर्वकालीन अग्रणी स्कोर करता है और 3 विश्व कप जीतने वाले दलों का हिस्सा बनने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। 1999 में उनको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक द्वारा शताब्दी के फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में चुना गया। वो अभी बीमार हैं, हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं।